पता नहीं कब से पैदल चल रहे हैं यार, दिमाग खराब हो गया अब तो यहाँ पे। गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज काफी टाइम बाद अपना व्लॉग आ रहा है, तो व्लॉग को पूरा देखना है आपको। और अभी सबसे पहले चलते हैं अपन कॉलेज, योगेश के कॉलेज में। तो योगेश खड़ा है और हमने ताला भी लगा दिया, तो अभी चलते हैं कॉलेज में, वहाँ जाके बात करते हैं। तो फाइनली अभी ऑटो मिल गया और हम ऑटो में बैठे, चलते हैं और वहीं जाके आपसे बात करते हैं कि हम कॉलेज क्यों गए थे। तो गाइज यहाँ पे आने का रीज़न था कि ये है योगेश का कॉलेज, पीछे देख सकते हैं आप, जैन कॉलेज है। तो इसमें उसको फीस जमा करनी थी, तो इस वजह से हम आए थे फीस जमा करने। तो योगेश का कॉलेज तो ये अभी टूर नहीं दे सकते कॉलेज का, क्योंकि कॉलेज अभी चालू है, तो टीचर्स वगैरह सब क्लास में, वरना टीचर से भी बात करा देते। और आपको मेरा कॉलेज भी बता देता हूँ, अगर आपको मेरे कॉलेज का टूर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एक बार मैं आपको मेरा कॉलेज बता देता हूँ बैक कैमरे से। तो आप जो देख रहे हैं ना रेड वाली बिल्डिंग, तो वो हमारे कॉलेज की है, तो बहुत बड़ा कॉलेज है। तो मैंने अभी तक उसके ऊपर वीडियो एक भी नहीं बनाई है व्लॉग, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको उसका व्लॉग भी चाहिए तो मैं बता दूंगा। तो ये है योगेश का कॉलेज। भाई जिस काम से हम आए थे ना, मतलब फीस जमा करने आए थे कॉलेज में योगेश की, तो वो काम तो हो चुका है भाई, क्या हाथ में फीस स्लिप भी है। और मैं अपना कॉलेज बता रहा था ना, मैं जो पीछे वो कॉलेज दिख रहा है ना पीछे, वो मेरा ही कॉलेज है। तो अभी उसकी भी छुट्टी होने वाली है, बट हम निकल जाएंगे, बट ऑटो का वेट कर रहे हैं, जैसे ऑटो मिलता है हम निकल जाएंगे। तो अभी देखते हैं ऑटो आने में कितना टाइम लगता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ऑटो बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि थोड़ा आउट इलाका है, तो वेट करते हैं ऑटो का। हाँ तो भाई काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब वेट करते करते, तो सोचा अब ऑटो शायद ही आए। कार वगैरह तो यहाँ पे चलती रहती बट ऑटो का मुश्किल है, तो सोचा थोड़ा थोड़ा पैदल चल लेते, बाकी ऑटो अगर आता है तो उसमें बैठ जाएगी, क्योंकि ये आउट इलाका है थोड़ा। तो अभी एक दो ऑटो सामने से आ रहे हैं, अभी देखते उसमें बैठना होता है कि नहीं होता। तो गाइस काफ़ी टाइम हो चुका है, 6-7 किलोमीटर तो हो ही गए होंगे, मतलब इतना तो नहीं हुआ बट थोड़ा बहुत हो गया है। पता नहीं कब से पैदल चल रहे हैं यार, दिमाग ख़राब हो गया अब तो यहाँ पे, क्योंकि अभी जो कॉलेज की छुट्टी का टाइम हुआ नहीं है, छुट्टी का टाइम होता ना तो यहाँ पे ऑटो ही ऑटो मिलते हमें, बट अभी हम गलत टाइम पे आए हैं, तो कोई बात नहीं यार। बट इस रोड पे ना ये पूरा कॉलेज वाला रोड है, कॉलेज रोड भी बोल सकते हैं इसमें। इधर देखिए, इधर भी एक कॉलेज है, उधर पीछे 2-3 कॉलेज है, आगे भी 2-3 कॉलेज है। कोई बात नहीं, हम चलते हैं, थोड़ा बहुत मज़ा करते हैं यहाँ पर कॉलेज वगैरह के अंदर भी, वो आएंगे अगर इच्छा होगी तो, अगर व्लॉग में आपको बता देंगे। बट वैसे तो हम सीधे घर जा रहे हैं अभी, क्योंकि हमें शाम को मार्केट जाना है, तो व्लॉग में बने रहिए आप। सो गाइस अभी तो रूम पर पहुंच गए, तो अभी ये लोग खोल रहा है, तो थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं रूम पे, इसके बाद अपन चलते हैं मार्केट की साइड। तो आप बने रहिए व्लॉग के अंदर, फिर आपको यहाँ का ग्वालियर का फेमस मार्केट बताया जाएगा। गाइस अभी टाइम आप देख सकते हैं 5:55, तो अभी शाम के 6 बजने वाले हैं। और जैसा कि हमने कहा था अपन जा रहे हैं अभी मार्केट, तो चलिए मार्केट चलते हैं, तो पास में ही है, अभी बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे और आपको वहां का सीन बताएंगे। तो गाइस फाइनली अभी पहुंच चुके हैं KRG कॉलेज पर, तो मतलब जो भी ग्वालियर से होगा उसको तो पता ही होगा KRG कॉलेज के बारे में। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कौन कौन ग्वालियर से हैं और कौन कौन ये वीडियो देख रहा है। तो अभी थोड़ा ही टाइम है अपने पास, क्योंकि रात होने वाली है, फिर वीडियो क्वालिटी भी थोड़ी कम हो जाएगी, तो इस वजह से आपको जल्दी से थोड़े बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स हम मार्केट के बताएंगे, तब तक ब्लॉग में बने रहिए। 2000 years later। फाइनली
फाइनली आप देख सकते हैं पीछे हमारे, आप देखिए बिल्डिंग। तो अभी हमें ग्वालियर के बाड़ा मार्केट में, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ की कुछ अच्छी अच्छी लोकेशन है जो मैं व्लॉग के अंदर डालूंगा, तो आपको देखनी है और बतानी कमेंट बॉक्स में कि वो कैसी लगी आपको। तो मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। बाकी जो सबसे ज़्यादा बेस्ट लोकेशन है वो आपको देख सकते हो, ये है। तो इसको आप देखिए, इट्स अमेजिंग एंड मतलब ऐसा लुक है जैसे ब्रिटिश लंदन की तरह लुक है यहाँ पे। ये बाड़ा मार्केट में मतलब बीचों बीच सेंटर पे सर्कल पे एक स्टेचू है जो कि बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी कंडीशन में भी है, प्लस बहुत ही अच्छे ज़्यादा डेकोरेशन भी किया हुआ है। तो अभी आपको दिखा दिए थोड़े बहुत, अब यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की जाएगी, तो चलते हैं फिर हम।